यहाँ पर हम लोग आज एसएक्स और एसबी लेवल पे केवीपीवाई इस साल के जो पेपर है उसके लिए बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगा टू सॉल्व ए रियल पेपर। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूँ लेवल वन और लेवल टू। लेवल टू वन में आपको तीन सेक्शन सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये पहले ही पता होगा। और मार्किंग होती है +1 -1/4, +1 फॉर करेक्ट एंड -1/4 फॉर रॉन्ग। और लेवल टू में आपको टोटल टू सेक्शन सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, और इसकी जो मार्किंग होती है इस +2 एंड -1/2। ओके, सो ये आपकी मार्किंग स्कीम है। ठीक है, तो टोटल यहाँ तीन सेक्शन करेंगे, तो हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं। एक सेक्शन में इसमें 20, इसमें 20, मैथ्स में 20 और बायो में 20। ओके, और यहाँ पर आपके हर सेक्शन में 10 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो आपके सेक्शन वन से जो मार्क्स आते हैं वो 60 आते हैं, बिकॉज 20 20 20, 60 टोटल। ओके, 60 लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। और जो लेवल टू से है वो आते हैं +2 है, तो दो सेक्शन करने पे 40। सो टोटल मार्क्स जो होता है वो 100 का पेपर होता है। ठीक है, तो है कभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको कंफर्मेशन थोड़ा सा इसके बारे में, पेपर के बारे में बता देता हूँ। ओके, तो दिस इज 60 एंड 40। ओके, लेवल वन एंड लेवल टू रेस्पेक्टिवली, और 100 का पेपर होता है। ठीक है, तो पहले तो इस साल का कट ऑफ आप समझ लो, इफ़ यू आर PCM स्टूडेंट तो वो आप 52 to 60 के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, पेपर के टफनेस लेवल और उस पर डिपेंड करेगा, तो 52 से कम मत करना, और 60 से आगे तो ऑब्वियस है, 60 से आगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप 72 या 75 मार्क्स के बीच में लाते हैं तो आईएससी बैंगलोर के चांसेस हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सब तो बात की बात है कि आप क्या स्कोर करते हो। ठीक है, तो पहले तो कैसे स्कोर करना है ये मैं बताता हूँ। इसमें याद रखना, लेवल टू में दो पार्ट ईजी आएंगे। ओके, दो सेक्शंस जो होंगे वो इजी होंगे, और लेवल वन में सिर्फ एक सेक्शन इजी होगा। ठीक है, तो ये आपको पहले तो टारगेट करना है कि दो सेक्शन यहाँ से सबसे इजी वाले करने ही करने हैं। ठीक है, और यहाँ से एक सेक्शन इजी वाला करना ही करना है। ठीक है, बायो के बारे में एक्चुअली मैंने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे। ठीक है, तो बायो का आई एम निगलेक्टिंग, आई विल डिस्कस हेयर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स ओनली। ठीक है, कि कैसे करना है, क्या करना है एंड ऑल राइट। सो इस सेक्शन में भी मतलब आई फील कि मैथ्स विल बी द टफेस्ट, ओके, एंड केमिस्ट्री विल बी द इजिएस्ट, वुड बी इजिएस्ट। ठीक है, तो एक बार देख लेना, दो 100% कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तो केमिस्ट्री कर लेना, और मतलब मैथ्स वालों को थोड़ा सा आई फील कि आपको थोड़ा सा मतलब इफ़ यू आर वेरी वेरी गुड देन डेफिनेटली यू नीड टू गो विद दिस वन, मैथ्स के साथ ही जाना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि फिजिक्स और मैथ्स आपको इक्वल, बिकॉज किसी किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, राइट? सो अगर आपको लगता है कि फिजिक्स और मैथ्स का टफनेस लेवल अगर आपको इक्वल लगता है, तो आई वुड से कि फिजिक्स के साथ जाना। रीज़न क्या होता है कि अगर फिजिक्स में हम लेस जूम आउट ऑफ 10 आपको सिखाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आउट ऑफ 10 आपको सिखाते हैं, तो ये प्रेफरेबल है कि इसको सॉल्व करो। इसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा, बिकॉज बाकी जो चार क्वेश्चन है एटलीस्ट आपको उसको एनालिसिस करके वो सॉल्व हो जाएंगे, और वहां से आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएगा। बट यहाँ पर एनालिसिस का कोई स्कोप नहीं है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क आपके बन सकते हैं बट यहाँ पर नहीं बनेंगे। तो ओके, सो यहाँ पर फिजिक्स जो होता है थोड़ा एस दे देगा। ठीक है, और ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि वन बाय वन विल स्टार्ट। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड ऑल। पहला तो जो द बेस्ट एडवाइस आई वुड से कि कुछ भी पार्ट छोड़ के मत जाना, डोंट लीव अ सिंगल पार्ट राइट बिफोर लीव। मतलब जैसे कि आपको हीट नहीं पता है, तो आई जस्ट टेल, हीट में भी आपको दो ही तीन चीज़ें करनी है, वो जल्दी जल्दी कर लेना, बट कुछ भी छोड़ के मत आना, राइट? इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एज आई वाज सेइंग कि कोई भी सेक्शन छोड़ के नहीं जाना है, सेक्शन मीन्स पार्ट भी नहीं छोड़ के जाना है, बिकॉज यू नेवर नो। देखो, दो सेक्शन ईजी आने वाले हैं यहाँ पर, जब पता है तो यू नेवर नो कौन सा आएगा। हो सकता है आपने मैथ्स के लिए ना प्रिपेयर किया हो, बट मैथ्स सबसे ज़्यादा ईजी आ जाए, राइट? सो मैं आपको एटलीस्ट लास्ट मोमेंट के लिए बता दूंगा कि फंक्शन में कौन कौन सा पार्ट, या फिर केमिस्ट्री में लेस जूम फिजिक्स हीट छोड़ के जा रहे हो, या फिर केमिस्ट्री में लेस जूम आप फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ छोड़ के जा रहे हो, तो वो मस्ट हैव है, वो आप करके ही जाना जाना है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसमें एक सेक्शन ईजी आएगा, तीन मोस्ट प्रॉब्ली, दो टफ एक मॉडरेट होगा। यहाँ पर दो सेक्शंस ईजी होंगे, एक मॉडरेट एक टफ होगा। तो जो ईजी सेक्शन है मैंने यहाँ पर वो लिखे हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आई फील कि मैथ्स का यहाँ का सेक्शन अ बिट टफ होगा। ठीक है, इट वोंट बी दैट ईजी, और केमिस्ट्री ईजी होना चाहिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर फिजिक्स और मैथ्स का लेवल सेम लगता है आपको, तो ऑब्वियसली गो फॉर फिजिक्स, राइट? दैट्स एक्चुअली मेरा खुद का कैलकुलेशन है, और फिजिक्स ही आपको हेल्प करेगा। अभी हम लोग वो कर लेते हैं कि सेक्शन वाइज कहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन पक्का मिलेंगे,
और उनको करके जाना मतलब थोड़ा सा आपके लिए फेवरेबल रहेगा। ओके ओके, सो अभी हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री बेसिकली डिवाइडेड होता है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री में मस्ट हैव लाइक मस्ट सॉल्व करना है वो है थर्मोकेमिस्ट्री, ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, ओके। सेकेंड भी अगर आपको सॉल्व करना है कुछ, अगर आप कर सकते हैं तो आप ये केमिकल काइनेटिक्स, ओके, और आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट ये है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिए। और एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम को सेकेंड प्रायोरिटी यहाँ पर दे देते हैं, इससे पहले मोल कॉन्सेप्ट में अगर आपको याद हो गया रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखिए कि ये सब के तो नए क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्व करना है तो आईटी एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। यू माइट फाइंड द एग्जैक्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। और यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट 100% द पॉपुलर वंस ओनली आएंगे, जो रिडॉक्स रिएक्शन जैसे बोल देगा के टू सी आर टू ओ सेवन के एम एन ओ फोर एफ ई टू ओ थ्री के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनेगा, क्या चेंज होगा एंड ऑल द स्टफ। तो ये सब बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। अगेन अगर आपको नहीं पता कि वो पॉपुलर रिएक्शन क्या है तो अगेन आप आई टी एडवांस के प्रीवियस ईयर के पेपर रिडॉक्स रिएक्शन और मोल कॉन्सेप्ट के चले जाना, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको कैसे मिलना है, ठीक है। आपको वहीं से कुछ ना कुछ को मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा, बट इसमें 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 ये सब एकदम ब्रांड न्यू और नए होंगे, ठीक है। सॉरी आई एम मिसिंग सॉलिड स्टेट ऑल्सो ईयर, ठीक है। सॉलिड स्टेट भी पहले कर लेंगे और इसके अगेन आई टी एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज मतलब सेम थीम पे या फिर सेम टाइप के मिल जाएंगे, बट ये सब एकदम न्यू होंगे तो वहाँ पर हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी करने के लिए। अगर मान लो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम टफ लगता है कुछ, तो पीछे जाके उसके क्वेश्चन करने से अभी के लिए फॉर फॉर मतलब शॉर्ट टाइम है तो उसके लिए आपके फायदे के लिए रहेगा, ठीक है। और डोंट डेयर टू लाइक केमिस्ट्री को छोड़ के मत आना, केमिस्ट्री यहाँ पर भी दोनों सेक्शन में ईजी वाले सेक्शंस में से एक ईजी सेक्शन होने के चांस है, और यहाँ पर भी एक ईजी सेक्शन में वो केमिस्ट्री ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली। बायो के चांस लेस हैं, बायो भी हो सकता है सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी फिजिक्स हो सकता है, लास्ट प्रायोरिटी है कि मैथ्स होगा। अगेन आई हैव टोल्ड कि अगर आप मैथ्स और फिजिक्स में से आप एक चूज कर रहे हैं कि क्या करना है तो यू कैन लाइक लास्ट के लिए आप डिसाइड कर लो। अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है मतलब आप यू आर गेटिंग एवरीथिंग करेक्ट विच इज़ लाइक लेस देन 5% चांसेस तो आप करो, नहीं तो फिर मैथ्स में रिस्क मत लेना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक बार अगर इंटरव्यू के लिए कॉल हो गया तो इंटरव्यू में पहुंचना इज अ बिग थिंग। तो मतलब केवीपीवाई का मार्क्स मैटर करते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इसका एग्जाम देना, ठीक है। अब ये हो गया, अभी मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअली वेटेज वाइज देखेंगे तो इसका वेटेज लेवल वन में ज़्यादा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल के वेटेज लेवल टू में ज़्यादा है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल वन में ज़्यादा है, तो इसको देख लेते हैं क्या क्या आएगा इसमें, ठीक है। ये एक्चुअली फर्स्ट लेवल है, ये पहले करने हैं आपको, और अगर अभी भी टाइम है तो ये कर लो, ठीक है। इसमें भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसमें एक अच्छी बात मैं बताऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो लेट्स अज्यूम आपने ये भी जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें डिवाइडेड है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमर एंड बायो मॉलिक्यूल है, बट अगर आपके पास आई फील कि पॉलीमर एंड बायो मॉलिक्यूल में अगर आपके पास अभी टाइम नहीं बचा है तो ये लेंथी चैप्टर्स हैं, इतने इजी नहीं है, बट अगर आपको टाइम है और मतलब आपको लगता है कि कर लोगे तो ये कर लोगे, क्योंकि इससे एक ही क्वेश्चन ओवरऑल आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, राइट। तो मतलब ये मे एंड मे नॉट है, तो इस पर अगर आपको टाइम है तो एक्स्ट्रा एक कर लो, अगर नहीं है तो रहने दो, ठीक है। तो जीओसी और दिस वन, ओके। सो जीओसी के मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो मतलब लेसर पार्ट में रहेगा, बट रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ये लेसर रहेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म हायर रहेगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि मतलब आप इसमें भी दो टाइप से होगा, ठीक है, कन्वर्जन भी होगा इसमें और एक होगा कन्वर्जन और एक होगा प्रोडक्ट प्रोडक्शन, ओके। सो कन्वर्जन इसका जो होगा बेसिकली
कन्वर्जन अगर आपको देखना है तो NO2 बेस्ड बेंजीन का देख लेना, वो थोड़ा सा डाइजोनियम सॉल्ट वो सब जो है इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर आपको कन्वर्जन देखना है, पहले मैं कन्वर्जन की बात कर लेता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि IT एडवांस से ही उठाएंगे या फिर वैसा मिलता जुलता कुछ होगा। तो ये सिर्फ एक बार कर लोगे तो आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। ओके, सेम यहाँ पर कन्वर्जन आप IT एडवांस से उठा सकते हैं, ठीक है, इसके कन्वर्जन्स। बट जब प्रोडक्ट की बात होगी तो ये एकदम न्यू होगा, प्लस एम एंड माइनस एम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कौन सा रिएक्टेंट आ रहा है, कौन सा जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड ऑल द स्टफ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये कॉम्प्लिकेशन इसके हाई हो जाएंगे। बट यहाँ पर जब प्रोडक्ट की बात होगी तो इसका प्रोडक्ट अगेन आपको IT एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चन में से एक कुछ मिल सकता है। तो इट्स हाईली एडवाइसेबल कि एलिफेटिक का सब कुछ आप यहाँ से करके जाओ, और एरोमेटिक के भी कन्वर्जन आप यहाँ से कर सकते हो। स्पेशल अटेंशन देना थोड़ा डाइजोनियम को, ओके, एंड एज वेल एज प्लस एम एंड माइनस वन को थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म ठीक से करके जाना, बिकॉज ये एकदम न्यू होगा, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली न्यू होना चाहिए, एकदम न्यू होगा तो वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपने अपने आप से ही सोच समझ के उसको निकालना है, ठीक है। और तो ये हमारा इधर पूरा हो गया, ठीक है। प्रोडक्शन मीन्स मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट इस टाइप से बोलते हैं, कन्वर्जन डिफरेंट थिंग होती है, वो भी प्रोडक्ट ही होता है, बट कन्वर्जन में विच रेजेंट्स इज यूज एंड ऑल द स्टफ वो सब होता है, और एजेंट दो तीन स्टेप का होता है, एक्स इज दिस, वाई इज दिस एंड जेड इज दिस। बट यहाँ पर क्या होता है कि रेजेंट हो गए बट न्यू होता है, सब कुछ न्यू होता है, तो आपको सब मतलब पूरा स्क्रैच से सोचना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, आपको पता है अच्छा Li(AlH4) ये करेगा, तो यू कैन लाइक ऑक्सीडेशन डायरेक्शन वो सब सोच के आप आंसर निकालना यहाँ पर ईजी हो जाता है, राइट। सो ये आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा लेआउट है, ठीक है। अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, ठीक है, तो विल सी। ओके, तो जब थोड़ा सा यहाँ पर जब आएंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके एक क्वेश्चन को यहाँ पर हाई प्रियोरिटी दे दी जाती है, ठीक है, ये हम करके जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप इसमें इसका आइसोमर्स कर लेना, ठीक है, और बेसिकली इसके स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर और वो सब कर लेना, बॉन्डिंग एंड ऑल, ठीक है। तो ये मतलब केमिकल बॉन्डिंग में जैसे करते हो सेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए वही आपको करना है, उसी पे ज़्यादा फोकस करना है, तो वहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो एक आप ये कर लेना, दूसरा व्हाट यू कुड डू इज ओके, और दूसरा इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके अलावा आने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप क्या कर लेना कि इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिस्ट्री, इन दोनों से मिला के दो से तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, सेकंड में बोल रहा हूँ, Level 2 में, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम के चांस थोड़े से कम है, आई एम नॉट श्योर, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोकेमिस्ट्री तो पक्का ही पक्का है, ठीक है, आ सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको करना है तो इसके अलावा लाइक फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही ज़्यादातर डोमिनेट करेगा सेकेंड Level 2 में, और उसमें से भी इस आई फील कि इस ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एरोमेटिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, एरोमेटिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, बिकॉज आई फील कि 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 70% एरोमेटिक होगा, कन्वर्जन उसका उसका रिएक्शन मैकेनिज्म उसी से रिलेटेड, एसिडिटी बेसिसिटी एंड ऑल, तो एक बार उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये देख लेंगे, और इसके अलावा जो एलिफेटिक से आएगा वो आई फील ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा, बट IT एडवांस के क्वेश्चन ही होंगे उसमें, तो वो ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे। इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ है, यस, तो इसके अलावा क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर मोल कॉन्सेप्ट, जो मैंने रिडॉक्स में जो रिएक्शंस बोली थी उसमें से, अगेन इसमें तो आपको पता ही है कि वो कहाँ से आने वाला है, तो आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर कि वही उसी में से एक होंगे, तो यहाँ से आपको एक से कुछ एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। सो यू विल गेट मोस्ट प्रोबली वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर, और बाकी सब एरोमेटिक में, तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा Paper 2 के लिए। बिलीव मी, ये केमिस्ट्री करना ही करना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, यू नीड टू ब्रेक दिस, ओके। एंड यहाँ से जितना मार्क बनाएंगे बहुत अच्छा मार्क उठेगा, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड कॉन्क्रीट मार्क्स होंगे, ठीक है। अगेन मैं सब ये सब जो भी आपको बता रहा हूँ, इट्स सोनली डिपेंड्स ऑन सो मेनी ईयर्स ऑफ लाइक सो मेनी लाइक सो मच एंड लाइक हमने रिसर्च करके निकाला है,
और इसके लाइक सक्सेस रेशियो उसका जो बता रहे हैं उसका हाई ही है, बट एकदम इसके ऊपर सोच के नहीं करना है कि नहीं नहीं यही आएगा वही आएगा. ओके सो दीज आर द, आपने इतना सब किया है तो ये सब लास्ट में कर लेंगे तो आपके फेवर में चला जाएगा. ओके सो अभी हम लेवल 1 की बात करते हैं. तो लेवल 1 में नो डाउट केमिकल बॉन्डिंग एक गॉड ही रहेगा, मतलब लेवल 1 के लिए, क्योंकि आई फील कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देगा. सेकंड पे सॉलिड स्टेट आप रख लीजिए, ठीक है, जो आपको 1 से 2 क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है. और बाकी आप केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है. सो ये आप कर लीजिए, ये कॉन्क्रीट है, यहाँ से जो आपको मे बी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है. और इसके अलावा सॉलिड स्टेट मैंने बता दिया. सॉरी, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करने भूल गया, आप केटीजी भी अगर आपको टाइम मिले तो, एक्चुअली 10 साल के लिए, दो अभी उसका कोई अपीयरेंस नहीं हुआ इतना, बट आप अगर देखेंगे तो मतलब एज द ग्रोथ इज गोइंग, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का थोड़ा सा मतलब वी फील कि मतलब दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कहीं से मतलब इट्स इंट्यूशन कि इसका एक क्वेश्चन आपको इन दोनों में सेक्शन में से मिल सकता है. अगर आप कर लेंगे रिलेटिव लाइक दोज थिंग्स तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बट अगर नहीं भी करेंगे तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मतलब हमारी ओर से दिस इज थम्स अप. ओके सो ये हो गया. और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन. बाकी सब जो है वो फुल का फुल जो रहेगा दैट विल बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन यहाँ पर आइसोम जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डोमिनेट करेगा ओवर कन्वर्जन एंड ऑल. जीओसी और कन्वर्जन, बस ये दो चीज़ें रहेंगी इसमें ज़्यादातर. इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म, कोर में मैकेनिज्म जो होता है वो उतना नहीं पूछेंगे, और जो भी आएगा वो आईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आएगा. ये मतलब ऑलमोस्ट आप मान लीजिए मिलता जुलता या फिर सेम सेम कुछ ऐसा, ठीक है. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादातर रिपीटेशन के चांसेस हैं, ठीक है. तो अगर आप अभी भी थोड़ा सा टाइम है, 2 दिन 2.5 दिन का टाइम है, अगर आप केमिस्ट्री पे ध्यान देंगे तो आई फील कि आप आराम से 30 में से 20 to 25 मार्क्स उठा सकते हैं आराम से, ठीक है. और जिनके लिए केमिस्ट्री टफ भी है वो भी अभी ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है. तो ऑल द बेस्ट, आई होप आपको आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, जब आप पेपर देखा होगा देन आई फील कि आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट लगेगा. ओके ओके सो इसके अलावा यहाँ बायो मॉलिक्यूल पॉलीमर एंड बायो मॉलिक्यूल, ये है. तो ये भी हमारा मतलब इस साल के लिए भी फील कि दो इतना इम्पैक्ट नहीं है उसका केवीपीवाई में, फिर भी इस साल के लिए भी फील कि ये है. तो अगर आप केटीजी और इन दोनों में से एक भी कर लेंगे तभी भी एक क्वेश्चन इन दोनों में मिला के आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर एक एक मिलेगा, या फिर केटीजी से एक यहाँ से, या फिर बोथ पॉली यहाँ से मिल सकता है. तो एटलीस्ट अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो एक करके चले जाना, उसमें भी प्रेफरेबल केटीजी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा रहेगा, राइट. ऑब्वियस है पॉलीमर बायोमेल को थोड़ा बड़ा चैप्टर कंपेरेटिव टू दिस, ठीक है. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सोच रहे होंगे इतना सब है नहीं बताया, ऑब्वियसली सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट ये मतलब ये है कि ये कोर है, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, और कम एफर्ट के साथ, ठीक है. तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, ठीक है.